नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोहे सवसाहूरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टात प्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। अब्बरकाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मने पुने वक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्परसंगकाम। ओम नमः। शास्त्र मात्र जानकारी के लिए नहीं है, भेद ज्ञान करने के लिए। शास्त्रों को पढ़ करके केवल जान लिया तत्व साथ होते हैं, नहीं, भेद ज्ञान करो, उपाधेय कितने हैं और हे कितने, स्व कितने हैं पर कितने। अगर भेद ज्ञान नहीं जाना केवल सात तत्व होते हैं, बस होते हैं, छह द्रव्य होते हैं। इस छह द्रव्यों के मेले में आत्मा अकेला है। यहाँ छह द्रव्यों का समूह है, कोई हमारा नहीं है ये विश्व, ना हम इसके कर्ता है, ना कोई ईश्वर करता है, भगवान कर्ता नहीं होते, और जो कर्ता होते हैं वे भगवान नहीं होते। यदि भगवान बनना है अर्थात सुखी होना है तो इस कर्तत्व को छोड़ो। शास्त्रों का तात्पर्य केवल जानकारी का नहीं है। 24 तीर्थंकर होते हैं, वितराग सर्वज्ञ भगवान होते हैं, अरे इससे क्या मतलब हुआ जी, बताओ, भेद ज्ञान तो करो। राग में जब तक उलझे रहेंगे तब तक भगवान नहीं बनेंगे। वितरागी होते भगवान वितरागी होते हैं, अपने को संबोधन तो करो भाई। तो जब तक हम राग में उलझे रहेंगे तब तक भगवान नहीं बनेंगे। राग में उलझे, क्या करें क्या करें, अरे करो क्या, इसे तोड़ के राग विरोध कुत्ता तो करो क्या, हो सुखी अपनो बल फेर के तोड़ के राग विरोध कुत्ता तो कहां। दो चार बाल बच्चे, मम्मी पापा, भैया बहन, और बस बाल इनमें उलझा रहता, बस और जबकि ये सत्य बात है। क्या कल का क्या कहा था, पकड़ो, हम कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए। दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो कर्ता कर्म संबंध दिखाई दे रहा है वो सहज निमित्त निमित्त संबंध है, जिसमें तुम्हें कर्ता कर्म की भ्रांति लग रही है। मैं ही करता हूं, मैं तो कर रहा हूं, कौन कर रहा है। ये कर्ता कर्म जो तुम्हें भ्रांति हो रही है वो निमित्त निमित्त संबंध को न समझने से हो रही है। हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है। हमने तो झाड़ू लगाई, हमने तो प्रवचन किया, हमने तो पूजन किया, हमने स्वाध्याय किया, अरे ये सब हैं पुद्गल के खेल। इतने हल्के से नहीं लेना है, जितने हल्के से अपन सोचते हैं ये तो हम जानते हैं। नहीं, जब तुम्हें ये लगे ये तो हम जानते हैं, तब बोलो क्या विचार करना, क्या बताया था,
ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो स्वाश्रय से होता है, स्वयं के लिए होता है। ज्ञान के साथ सुख का अविना भावी संबंध, अगर ये तुम जानते हो हमारा सुख हमारे भीतर है तो दुखी क्यों हो। ज्ञान के साथ सुख का अविना भावी संबंध है। जब तुम्हें ये लगे कि ये तो हम जानते हैं, सुनते समय पढ़ते समय ये तो हमने देखा है, देखते समय देखना कुछ अलग तरीके का है। इस जिन मुद्रा को भेद ज्ञान की दृष्टि से देखो, तब तुम्हें मोक्ष मार्ग समझ में आएगा, और नहीं तो बस देखा ये तो हमने देखा है, ये मंदिर ये तो मंदिर देखा है। जो जानता नहीं आत्म को अनात्म को नहीं जानता, ये मंदिर देखा है अपने को नहीं देखा। क्या देखा है ये मंदिर, देखा है मंदिर तुमने, ये मंदिर भिन्न है हम भिन्न है। वेद ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। ये तो किताब, ये किताब तो हमने पढ़ी है भैया, ये शास्त्र, ये शास्त्र तो हमने पढ़ा है। ऐसे पढ़ते अभिमान से बोलते हो, पर लक्षी ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। दूसरा बात बोलो, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ उसका इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक कहलाता है, वो व्यवहार की भाषा अलग है। लेकिन एकांत इंद्रिय ज्ञान तो मोह का कारण है, उसे ज्ञान नहीं कहते। इंद्रिय ज्ञान मोह का कारण है, ये नियम है। माने इंद्रियों से जहां कहीं देखोगे तो मोह होगा, दर्शन में होगा, चारित्र में होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, वहीं देखते रहो मोह हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे देखते रहो। इंद्रियों से देखेंगे मोह होगा, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य, वाह। एक फोटो खींच रहे, ध्यान नहीं जा, वो कैमरा नहीं गाए। ए भैया तुम पे यार फोटो खींच देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मिष्ठान, बहुत बढ़िया है, लिया एक और ला। मोह हो गया कि नहीं हो गया, अब तुम्हें लगते ही तुम समझते ही नहीं इसका नाम मोह है। तुम्हें जाने क्या अपनी परिभाषाएं गणित कर रखी हैं, घर रखी हैं अपने घर की, जैसे जैसे कहानी की भाषा बोलो, स्त्री अपने पति की एक काल्पनिक तस्वीर गढ़ रखती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इन्हें ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए। अब वहां जब गड़बड़ दिखाई देती है, हमने तुमसे कहा था फिर खो ऐसे चल देते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कहां गए थे, कहां बैठी थी, वहां कार को बैठी थी, माँ के पास क्यों जाकर बैठते हो, क्यों उसकी सुनते हो, क्यों ध्यान देते हो उस पर। हम कह रहे मैंने उसने एक काल्पनिक तस्वीर गढ़ रखी है, कल्पना कर रखी है ऐसा होना चाहिए, तुमने भी तो गढ़ रखी है, शरीर ऐसा होना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, आंखें ठीक रहना चाहिए, कान ठीक सुनाई देना चाहिए, और जिन्होंने सुनाई नहीं दे रही, वो कम सुनाई देने लगा, वो सुनाई नहीं दे रहा। अरे वो कह रहे हैं अब कान के तुम मत सुनो बाहर की बातें, बाहर की बातें सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, तुमने भी तो तस्वीर गढ़ रखी है, ये कपड़े मैले नहीं होना चाहिए,
हमको टाइम पे भोजन मिलना चाहिए, ये बढ़िया ये जलना चाहिए चूल्हा, वो जला अपने हिसाब से बिगड़ गया, बन गया, कुछ हो गया, ये ऐसा होना चाहिए, इसको टाइम से आ जाना चाहिए। अब वो बेचारे को लैट्रिन लग जाएगी, अब क्या करे वो चाहता है। मैंने उस समय में उस द्रव्य का परिणमन अलग प्रकार का है और तुम अपने हिसाब से कराना चाहते। दस बार सोचे इनका परिणमन ये सही है, बोलते नहीं ऐसा नहीं, बोल सकते नहीं, सुनते नहीं ऐसा नहीं, सुन सकते नहीं, अंतर की कसाएं उस प्रकार की निमित्त नहीं, संबंध उन कसायों का, और गेह से ज्ञान नहीं होता, दिखाई नहीं देगा तुम्हें, कहां नहीं देता, गेह से ज्ञान नहीं होता, पानी पड़ रपट गए दिखाई नहीं दिया, तो पानी तो था कि नहीं था, गेह था कि नहीं, दिखाई क्यों नहीं दिया, गेह से ज्ञान नहीं होता। कौन रपटना चाहेगा, कौन दर्द करना चाहेगा, क्या किसी को शौक पड़ा है कि हम रपट गए फिर हम दर्द हो गया, फिर चार जने हमें देखने आए जरा हमारी सेवा करें, इसको कोई भाव ऐसा आता है कोई, ये कोई तरीका है नहीं, फिर रपट गए देख नहीं पाए, क्यों भाई क्या हुआ, अरे पानी पड़ा तो देख नहीं पाया, तो देख नहीं पाया क्यों नहीं देख पाया, ये वस्तुनिष्ठ कथन है, उपदेश के कथन कौन से है, देख क्यों नहीं पाया बोलो, वहां चलने में एकाग्रता नहीं थी, शास्त्र का नियम है नीचे देख करके चलना चाहिए, तो वह बस चले चले आए, तो वैसे जल्दी में बहुत जल्दी जा रहे उससे देख नहीं पा, भूते भी नहीं होते, शास्त्र के नियम का तुमने उल्लंघन किया, जिनवाणी का चार रात जमीन देख करके चलना चाहिए तुमको, तो ये तो मुनियों की बात है, अरे मुनियों की व्रत है तुम्हारी शिक्षा व्रत है भाई, मुनियों के व्रत हैं और तुम्हारी शिक्षा व्रत है, मुंडा सुख का वेदन करते तुम सुखाविलासी हो, समलोक पाशक हो, और नहीं हो तुम्हें सुखी नहीं होना है, लड्डू खाने को मिले सोच ये नहीं कहोगे बड़े आदमियों की चीज है ये तो हम नहीं खाएंगे, वहां तो हंसी से खाओगे खुशी से खाओगे, और यहां कहोगे मुनियों की बात है, चरण लोग क्या कहेगा क्यों नहीं देख पाया, ज्ञान गे के सन्मुख हो, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान की बात कर रहे, गे के सन्मुख हो तब देखे तब आंख निमित्त है, नहीं तो ऐसे चले जा रहे आज तो नहीं देख पाए, अरे सुनो हमने सुन ही नहीं पाई, सुन नहीं पाओगे क्यों, कि कान नहीं सुनते आंख नहीं देखती, उपयोग तुम्हारा देखता है वो दूसरी जगह लगा है, तुमने सुना है, सुना है दृष्टांत, वो अपना मुसलमान का नमाज पढ़ने का समय हो गया और वो बेचारा वहीं बैठ गया रास्ते में, वहीं पेड़ के किनारे वहीं बैठ गया, एक स्त्री आई और सूती चली चली गई ऐसे, अब सरकती गई रोती भोती ऐसे, बस वो चली गई, उसको कोई पता ही नहीं कुछ, अब उसको बड़ा बुरा लगा उस फकीर को, मारे गए इसको इतनी तमीज नहीं है, इतना दिन देख के चलती है, देख के चलना चाहिए इसको, अब वो तो संकल्प विकल्प में लग गया और बैठ गया, आम भी लौट के तब देखेंगे, लौट करके जब वो स्त्री आने लगी तो दूर से ही आते देख काय ऐसे चला जाता है, देख के नहीं चला जाता तुझे, तूने मुझे छू लिया, हमें नहीं मालूम उनने छू लिया, तुम क्या कर रहे थे, हम तो अपने बालक के प्रेम में जा रहे थे, पति के प्रेम में जा रहे थे, और हमें भी नहीं मालूम छू गया कि नहीं छू गया, तुम कैसे राम भजन कर रहे थे, तुम कैसी नमाज पढ़ रहे थे, कि तुम्हें जो लग मालूम कैसे पड़ गया छू गए, करंट क्यों लग गया, इसका मतलब है तुम्हारा उपयोग चंचल है, तुम्हारा उपयोग एकाग्र नहीं है,
और कितनी प्यारी बात है, एकाग्रता तत्व निश्चयवान के ही होती है। बिना पर से भिन्न एक को जाने एकाग्रता कभी नहीं होगी। एकाग्रता तुम्हारे जीवन में तब होगी जब तुम अपने को एक जानोगे, अहम एक को। जब तक इस पर्याय रूप देखोगे एकाग्रता नहीं होगी। ये जो धोती सरक गई, ये कैसे होगा, ये कान खो गए, ये ऐसा उन्होंने ऐसा कह दिया, चंचलता जाएगी उसमें, उसी में एकाग्रता आएगी। कहाँ की धोती, कहाँ की रोटी, कहाँ के काम, कहाँ के धाम, ने एक जायक भाव, एक एक। अरे उस मां से पूछो जिसको एक ही बालक है, केवल एक। अब एक बालक है उसकी कितनी हर वक्त उसी को देखती रहती, और जिसको तो तीन बालक है उसको बढ़ जाता ना। तो जिसने अपने अनंत गेह बना दिए हैं, अब उसका उपयोग कितना चंचल होगा। जिसको केवल ज्ञान का गेह एक ही है, अब उपयोग स्वयं ही एकाग्र हो जाए, क्या करें बोलो, कहां यहां। शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं, जानकारी करने के लिए नहीं, नोट्स बनाने के लिए नहीं, ये तो सब बाहर की बातें हैं, बैरूखी पुरुषार्थ हैं ये तुम्हारे, इनको पुरुषार्थ हम कैसे कहें। नैलय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। अगर तो पहला पुरुषार्थ नहीं कर रहे, नैलयात्मक बहुत दर्द है, ये दर्द मेरे में नहीं है, ही ज्ञान का नाम है। ज्ञान समाधान कारक होगा, ज्ञान उधर से हटेगा और आपको सुखी करेगा। तो इलाज नहीं करें, अरे वो नहीं करें और करें की बात बाद की है। ये श्रावक की भूमिका है, उसका राग नहीं टूटा, वो अपना करेगा जो कुछ राग के वसीभूत होकर के, उसकी बात नहीं करें, कहे तो इलाज नहीं करें। अरे हम ये कह रहे हैं इसको अपना मत समझो, और तुम कह रहे इलाज नहीं करें, तो अपना नहीं समझेंगे तो काय को इलाज करें। अरे मूर्ख, तुम इतनी स्वार्थी हो रहे हो, पड़ोसी की तबीयत खराब हो तो देख भी याद अभी नहीं याद, उसके साथ याद है चलो हम दिखा ला। पड़ोसी की भी रक्षा करते हो लेकिन पड़ोसी को अपना तो नहीं समझते, ये कौन है, ये हमारा पड़ोसी है, तो ये भी तुम पड़ोसी समझो। पार्श्ववर्ती महूतम है पड़ोसी, पड़ोसी बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है, सुधर रहा है तो सुधर रहा है, अपने को भाव भी आता है। पड़ोसी घर से मां का ही आप भी पहुंच गए, कहो भाई क्या बंदा है, जरा चखाओ खिलाओ। पड़ोसी घर से आवाज आई कुछ रोने की, आप भी पहुंचे, क्यों क्या बात है, क्या बात हो रही, ये रोना कैसे हो गया, अरे कुछ नहीं ऐसा। तो वो सब राग की कमजोरी है, दोष है, कलंक है, लेकिन पड़ोसी अपना नहीं होता, पड़ोसी अपना नहीं होता। शास्त्र भेद ज्ञान के लिए ही, भेद ज्ञान करते हुए पढ़ो, बिना भेद ज्ञान के नहीं। हमें पढ़ लिए, रट लिए, याद कर लिए, श्री शंकर ऐसे होते हैं, सलाका पुरुष इतने होते हैं, ये इतने होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये इनकी ये परिभाषा है, सहभक्ति व्रत बारह होती है, अरे जो तो होती है। अब भेद ज्ञान तो कर लो, वो आते हैं तुम सहावक हो, तुम्हारी कहाँ बारह व्रत है, पूछ ही लो। अब आत्मा का गुरु आत्मा है, अरे गुरु पढ़ाता ही रहता है, किताब पढ़ाता है, पूछता भी तो है, फिर अगर तुमने जो समझा उसको जांचता भी तो है। तुमने जो पढ़ा है बच्चे ने उसको जांचेगा भी तो, हाँ सही गलत। तो अब आत्मा का गुरु आत्मा, सब अपने आप ही जिम्मेदार है। एक लड़का अकेला गया पढ़ने के लिए,
अब वो उस समय होस्टल भोस्टल की व्यवस्था कम थी बहुत, सुबह सुबह रोटी बनाता, अब अकेला हो गया रोटी बनाए, अब क्या करे बैठ जावे तो अकेला बना, अब खाए मन नहीं लगे तो कहे अरे ये रोटी थी एक और ले लो, नहीं सब्जी और ले लो और एक चम्मच ले उसने ऐसे रख ली नमक ले और उसने नमक ले लिया। अभी तो कुछ खाई नहीं कभी, अब अपने से बोला अपने से कर मोही अकेले में भी संयोग को याद करके रोता है दुखी होता है। वो ऐसे भोजन कर रहा है जैसे मां सामने बैठ करके भोजन करा रही है, अब वो याद कर रहा है पूरा भोग नहीं चिंत में आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये मोह के क्षेत्र के दृष्टांत हैं। यहां भी ऐसे ही सोचना चाहिए, अपने से पूछो भाई इन 12 व्रतों का क्या प्रयोजन है, इस अटलिस्याओं का क्या प्रयोजन है, इन 8 कर्मों का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन पर दृष्टि रखो, भेद ज्ञान करते जाओ और भेद ज्ञान तुम्हारा क्या करेगा। बड़ी सुंदर समसार जी में चर्चा है टीका में, भेद ज्ञान क्या करेगा। कभी तुमने बीनते हुए देखा है भाई को, कंकड़ कंकड़ में फेंकेगा गेहूं गेहूं में मिलाएगा, कंकड़ कंकड़ जो उसमें फेंकेगा ऐसे ही ज्ञान क्या करेगा, अपने उपयोग को अपने में समेटेगा और पर से विरक्त करेगा, अपने आप होगा ये काम। उस बाई को ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसे हाथ चलते जा रहे हैं और बस ये मट्टी का एक टुकड़ा आया ऐसे उठा के फेंक दी, आदत पड़ गई उसकी। ऐसी भेद ज्ञान की आदत डालो, तत्वाभ्यास करो। ये हमने आपको कल भी कहा था परसों भी कहा था, ये तो साधना है भैया, ये कोई रूढ़ी की क्रिया है नहीं है, ये कोई परगर्भ क्षेत्र काल भाव के आश्रित नहीं है कि अपने समूह में अच्छा लगता है फलाना में होता है। अरे नहीं भैया, ये मोह की दशा है, समूह में अच्छा लगता है, अपने 10 जने खा रहे पी रहे अच्छा लगता है, अरे ये मोह की दशा है, ये मोह है। मोह उदय जीव की वृथा आन कल्पना हो, अब बिना भेद ज्ञान के जैसे बिना तैयारी के परीक्षा देने पहुंच गए क्या करोगे, बैठो पेपर बहुत कर और जी मास्टर बहुत खराब है ये कहते ही नहीं, ये क्या कर रहे अब ये कितने देखने ही नहीं दिए, ये करोगे और क्या करोगे। मैंने बिना पढ़ाई किए हुए परीक्षा भवन में आप पहुंच गए तो क्या होगा, यही तो होगा और क्या होगा, जाको पेंट बढ़िया, ए कमीज तो बढ़िया पहने, कब बनवा ली है, कहां से ले आओ, अरे परीक्षा दे रहे हो क्या कर रहे तुम, लेकिन वो परीक्षा तैयारी है ही नहीं कुछ की कुछ, वो तो बैठा बन टाइम पास कर रहा है, बैठना है 2 घंटे से बैठ रहा है, 2 घंटे वही तो पेपर कॉपी जमा करी और चल लो, पास तो होने नहीं हमें, हम क्या करें। बिना पढ़ाई किए हुए परीक्षा भवन में जाकर के बैठ जाने वाले विद्यार्थी की क्या दशा होगी, सोचना सोचना नहीं तैयारी कर लेना,
नहीं तो क्या तुम्हारी फिर वही दशा होगी। बिना शस्त्रों का अभ्यास किए हुए, बिना युद्ध कला सीखे हुए, बिना अगर युद्ध भूमि में पहुंच जाओगे तो क्या करोगे? अब क्या करें? मर जाओगे? वो बिना पॉकेट में कुछ पैसा ले मार्केट में पहुंच जाओगे तो क्या करोगे? बिना टिकट लिए चढ़ जाओगे गाड़ी में, क्या करोगे? मैंने एक भी छेद ऐसा बताओ जिसमें बिना तैयारी के होता। ये तो अचानक की बात कोई अलग है, गाड़ी सामने आ रही है चढ़ चढ़ गए, अब वो जान पहचान का निकला उसने कभी ठीक, अरे वो पैसा नहीं रहा है जान नहीं रहा आज दे दे। वो एक अलग व्यवस्था है। किसी को गया धन मिल जाए तो धन प्राप्ति का ये उपाय नहीं है कि घर खोदते फिर। धन प्राप्ति के का तो उद्यम करना चाहिए, पुण्य में अपना उपयोग लगाओ, धन की लालसा छोड़ो। धन की आसक्ति लालसा अन्याय अनीति छल प्रपंच ये सब छोड़ो और पुण्य में अपना उपयोग लगाओ। लक्ष्मी पुण्य से आती है, आपके पास भी आ जाएगी। और लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं तुम्हें, ये बताओ जब तुम्हें रोटी मिल रही कपड़ा मिल रहा है अब तुम्हें पैसा ही काज हुए कुछ भी नहीं हुए। पैसे तुम्हारे पास पैसा है सुखा करो, यही तो करोगे। आजीविका मैंने खाली पैसा थोड़ा ही है, आजीविका तनखा। आजीविका में तो ये भी है भाई रोटी पानी कपड़ा मकान दुकान जी अपने रहने की जगह सार बस सब ये आजीविका ही तो, और का आजीविका है? आजीविका के लिए तुझे ठगों की टोली मिली है, संसार में कोई किसी का नहीं है, साथी हो नहीं सकता। तो आजीविका माने कहा था वो दुकान पर बैठ के जो पैसा कमा जाते उसी का नाम आजीविका है कि 400 रुपया रोज महीना मिलते हैं, 5000 महीना मिलते वो आजीविका हो गई। क्या संजा वो 500 बच गए ये आजीविका हो गई। अरे रोटी कपड़ा ये भी तो आजीविका ही है। कितना दृढ़ और कितना निष्पयी होना चाहिए, देह को चलना होगा तो रोटी मिलेगी। इतनी मैंने निसंग बन जाओ तत्व में, ये चिंता नहीं आए कल क्या होगा, कल दिन तैयारी आज है। ये देह छूटेगी तैयारी कर लो, बिना तैयारी के देह छूटेगी तो क्या होगा? याद आएगी इनकी इनकी संकलित परिणाम होंगे, देखना नहीं सही आएगी तो पानी पानी चिल्लाओगे, मुंह से नहीं बोलोगे तो भीतर भीतर कुड़कुड़ाओगे। और अगर तैयारी होगी तो आत्मा का स्मरण करोगे, आनंद में रहोगे। बस अरे देह ले जा तू, काल मृत्यु देह का ग्राहक है मेरा नहीं, मुझे तो जानता ही नहीं, मेरे तो नाम से डरता है। मृत्यु या काल या यमराज जो कुछ भी शब्द कहना हो कह दो है, वो तो मेरे से तो नाम से डरता है। आ जाते जो मारना हो तो मार के बता दू, मैं आत्मा हूं बोल, ये बदल जाएगी बदल जाएगी। पूजपा स्वामी ने कहा वस्त्रांतर जैसा, वस्त्रांतर ये कपड़े उतार दिए मेले हो गए पसीने में आ गए नहीं दूसरे पहन ली, ये शरीर विकृत हो गया यहीं छूट गया दूसरे शरीर धारण कर दिया, वस्त्रांतर। अब बिना तैयारी के परीक्षा भवन में या मार्केट में कहीं भी कुछ भी पहुंच जाएंगे तो कैसे होंगे, क्यों कर्तव्य मूढ़ होंगे, परेशान होंगे कि नहीं? तो बिना तैयारी के अगर आप जंगल में पर्वत की गुफा में बैठ जाओगे तो क्या होगा? हम ये कह रहे हैं, इस श्लोक पढ़ रहे हैं, छंद पढ़ रहे हैं,
बिना वेद ज्ञान के जंगल में निर्जन स्थान में बैठ जाओगे तो क्या होगा? कौन सी दिखाएगा हो तो मैं तो कल दिखाई नहीं दे रहा हूं। गिर गहन ग्वाद्या शून्य रण्य प्रदेश है, पर वनों के जंगलों के शून्य निर्जन स्थानों में बैठ जाने से क्या होगा बताओ? एक बाबा जी जंगल में बैठे, एक भक्त पहुंच गया अचानक, महाराज आप खात पियत कहा हो, कछु नहीं दिखाई दे रहे हो। बोले हवा खात, ज्ञान ज्ञाता नहीं दे रहे, हवा खात। हिमालय की वहां बताते हैं कितने लोग कैसे लोग हैं, वहां की हवाएं ऐसी वनस्पति औषधि युक्त, तुम्हें शिखर जी की ऐसी है। अब प्रदूषण अब होगा, ये प्रदूषण तुमने कर दिए गंदगी, आदमी गंदा है जहां जाएगा वहीं गंदगी फैलाएगा, सूरज जहां जाएगा सूर्य की किरण वहां प्रकाश फैलाएगी, ज्ञानी ज्ञान रहेगा ज्ञाता रहेगा, अज्ञानी ज्ञान रहेगा वहीं गंदगी फैलाएगा। कम से कम 30 साल पहले की बात है, एक महिला को वो तकलीफ हो गई और बड़ा फूरा हो गया और वो घाव भाव परेशान, उसके पिताजी ससुर शिखर जी की वंदना को जाने, तो उसने कह दिया हम ही लेवा चलो, बचे न बचे का पतो, वंदना करा दे। उनके मन में आ गई तो चलो लेवा गए, वहां पहुंच गए, उसने प्लास्टर प्लास्टर काटा जो कुछ पट्टी भट्टी खोली खाली और चल गई बनना कुछ, और बरसा पानी और पता नहीं पड़ा उस घाव का क्या हुआ। ठीक उसी ने अपने मुंह से सुनाया था हमको, अब तो समाधि कर गई नहीं, भैया ऐसा हुआ। आश्चर्य कुछ नहीं है, आनंद है, आश्चर्य क्या है इसमें? अरे उसमें क्या, जब दवाई तुमने लगाई हवा से लग गई, पानी में आ गई, वनस्पतियों को पानी अलग प्रकार का, वो गर्म पानी निकलता है वो ठंडा पानी निकलता है, क्या है ये प्रकृति के परिणाम है। अब उन्हें कोई ओ भैया वो है खाना चमत्कार, गरम ठंडो पानी नहीं करते, कछु नहीं है तुम्हारी राग द्वेष होते सो, तुम्हारे भी तो राग द्वेष होती रहती है, तुम क्या करते हो? दृष्टांत समझ में आ गया? बिना तैयारी के परीक्षा भवन में बैठ जाने के समान है पर्वत की गुफा में बैठ जाओ चाहे जंगल में बैठ जाओ। एक लिस्ट बना करके आप अपनी उंगलियों को नहीं जीत पाएंगे, लिस्ट बना करके समझ गए? जैसे अपन ने लिस्ट जी बना रखी, हम ये नहीं रंगीन नहीं पहनते, हम फलाना नहीं करते, हम ये कचौड़ी पकौड़ी नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम जितेंद्री हो गए, झूठी बात 100% झूठी। खाते भले नहीं हो लेकिन खाने वालों को क्या जानते बता? किसी को खाते हुए देख करके मन भी मन तो चलता है, खाते नहीं ए नुकसान करेगी तो मत कही, अब मन तो चल रहा भीतर। सच बताओ उन पर द्रव्यों ने पंचेंद्री के विषयों में सुख की कल्पना छूटी है? सच बताओ उन्हें दुख का कारण तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? उस जीवन को रह रहे कैसा मानते हो?
बंधन मानते हैं प्रति करण इंद्री मुख्यनम करण मन इंद्रिया करण निरोध मन इंद्रिय निरोध का मतलब यह है इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं। देखो जो केवल ज्ञान है केवल ज्ञान तो केवल ज्ञानी के अहंत अवस्था में इंद्रियां हैं लेकिन उनकी इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। बिना इंद्रियों के ही वे उन पदार्थों को जानते हैं एक बात। दूसरी नंबर दो बोलो मात्र जानते ही हैं मात्र जानते ही हैं उनमें विमोहित नहीं होते उनमें जो प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही कर्ण इंद्रिया का मतलब कर्ण माने इंद्रिया इंद्रियों का मतलब ये इंद्रिया है बनी ना। हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पर को जानता है इंद्रियों के माध्यम की जरूरत ही नहीं रही अपने को जानते हुए। ईश्वर की महिमा जैसे गाते थे अन्य जगह में अन्य दर्शनों में बिन पग चले सुने बिन काना बिन पग सुने बिन चले बिन काना क्या मतलब हुआ बिना पैर के चल रहा है क्या। हाँ सही बात है अपना उपयोग तीन लोक के पदार्थों को बिना चले जान रहा है कि नहीं जान रहा है वहां गया तो नहीं और देख रहा है वहां उसको कि गया है वहां आंख अप्रविष्ट रह करके और प्रविष्ट होकर के पदार्थ को जानती है। व्यवहार और निश्चय का कितना बढ़िया संतुलन है ऐसा लगता है जैसे आंख वहां पहुंच गई ए हमारी निगाह पहुंच गई फिर हम सो पड़ा था हमने उठाया जाकर के दौड़ करी हमारी निगाह पहुंच गई तो निगाह वहां पहुंच गई क्या यहां से निकल करके गई आंख और वहां पहुंच गई है क्या नहीं नहीं उपयोग का विषय बनना उसी का नाम पहुंचना कहते हैं। तो उपयोग केवल उपयोग का भोजन करते हुए आनंदित रहे कि दुखी हो ही नहीं तब दुख के कारण की कोई कल्पना नहीं और सुख की कोई कल्पना नहीं अपने आप धर्म ध्यान हो जाए उसका नाम जितेंद्रिय दशा है। तीन चार दिन पहले क्या कहा था बोलो क्या कहा था भैया बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि नहीं प्रवर्तता है तो अब हमारा कोई प्रयोजन ही ना रहा हम देखें देखो तो क्या देखें। पहले तो कहता था कोई लड़का बताओ कोई लड़का बताओ कोई लड़का बताओ खुद कहता था और अब लड़की लड़का की वो लड़की की सगाई हो गई अब लड़का बताए अब नहीं अब जरूरत ही नहीं थी कोई दुकान बता दुकान बता और बस दुकान बन गई अब कोई जरूरत ही नहीं दुकान बताए क्या। पहले उपज करके पूछता था अब जरूरत ही नहीं क्यों पहले दुखी था तत्संबंधी अब तत्संबंधी दुख नहीं है विकल्प नहीं है। इच्छावान दुखी होता है ये तो तुमने सुना पड़ा है समझा नहीं अभी समझा नहीं है इच्छा से दुखी है हम लेकिन दुखी को ही इच्छा होती है ये समझ लेना सुखी को इच्छा नहीं होगी कछु इच्छा जाके नहीं होई मेर समान सवन पे बरसे कछु इच्छा जाके नहीं होई। मुख्य रूप से तो अपने स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं जब उपयोग वहां नहीं रहता तब रागांश के उदय से योग जान करके दीक्षा याचना करने वाले को दीक्षा देते हैं प्राश्चित याचना करने वाले को प्राश्चित देते हैं।
अब याचना नहीं करेगा तो वो नहीं देंगे, तुम बैठे हो इंतजार में। उन्होंने अपना जीवन अपना ज्ञान इसके लिए नहीं दिखाया है कि तुम्हारे दोस्त देख दे रहे हैं और फिर तुम प्रायश्चित कराते हैं। वे अपने को देख देख के आनंदित हैं कि तुम्हें देख देख के दुखी हो, ये नालायक ये देखें कि नहीं लायक ये देखें बताओ क्या देखें। कहा कहने तुम जैसे हो तैसे बनेगा, तुम अपने परिणाम को फल भोगी हो, नहीं मानी तो मत मानी, मानी तो मानी। हम अपने आनंद से वंचित क्यों हो। मरने वाला मर करके स्वर्ग चला गया, हम रोए क्यों रोए। मरने वाला वो तो समाधि करके स्वर्ग में चला गया, अब हम यहां रो रहे हैं भजन। उस देव को विकल्प आया कि मेरी मां रो रही है, तो बालक बन करके आ गया। उनका तो वैकल्पिक शरीर होता है तो वैसे तो आगे नहीं सकते, सो बालक बन करके आ गया। उसने कहा ये तो हमारा बेटा है, दो दौड़ी से वो पीछे हट गया। ए मां मैं स्वर्ग में चला गया, मैं ये नहीं हूं, तेरा बेटा अब नहीं रहा, ये मोह की दशा है। काय को मोह में रो रही है, कल्याण कर दीखा। उसको सचेत होगा, सचेत हो गया है बस, वो सचेत हो गई मां और बस दीक्षा की तैयारी कर ली। देखो भाई संबोधन की कदर करोगे तो किसी को प्रसंग में संबोधन करने वाले भी मिल जाएंगे, और संबोधन की अनादर करोगे तो संबोधन करने वाला भी नहीं मिलेगा, पक्की बात। भी डॉक्टर आजकल की भाषा में कहें तो भाई वो कहा हो तो ICU उसमें बंद कर लिए थे, बाहर रहो तुम अरे, और वहीं प्राण निकल गए तो निकल गए। जब हमारी इच्छा हो तब हमें मिले ये मत सोचो, जब मिले तब सुनो, ध्यान दो। ये थोड़ा ही है हम अपना बाल्टी रख दें तसला रख दें और बस यहां अब इंतजार कर देखो पानी बस जा तो हम नहा लें। अरे जब बर्फ है तब अपना तसला भर लो, ये थोड़ा ही तुम तसला रख के इंतजार कर रहे हो। अब बढ़िया ये तो कदाचित कोई पुण्य का उदय हो तो ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये कोई नियामक नहीं है। नियामक कारण तो भैया तत्समय की योग्यता, योग्यता एक नियामक कारणम, उपादान कारण सदृशम कार्यम, अपना उपादान होगा वैसे कार्य होगा। जाकर के बैठ भी गए तो क्या होगा, आंखें बंद कर ली हम देखेंगे ही नहीं तो अंधेरा दिखेगा, ज्ञान नहीं दिखेगा। ज्ञान अंधेरा अलग अलग चीज है, ज्ञान और अंधेरा दोनों अलग अलग चीज है। हम छुआई नहीं रहेंगे, हम खाएंगे ही नहीं, हम मुंह ही नहीं खोलेंगे। अरे वे मरी जाती जब उसे क्या हो जाए, कोई इंद्रिय हो जाए। इंद्रियों का जय करने के लिए जैसे राजा को विजय पाने के लिए गढ़ हासिल करना पड़ता, गढ़ का आश्रय करता है, गढ़ मन महल किला वो गढ़ का आश्रय करता है और फिर वो अपने शत्रु से लड़ता है। ऐसे तुम अपने चैतन्य गढ़ का आश्रय तो करो, तब तो शत्रुओं से लड़ोगे, कैसे लड़ोगे। अमृत का आस्वादन तो करो, तब तो मिठाई नहीं खा, मिठाई तब तो फिर छूटे ही नहीं, तो छूटे ही कैसे है, मंगल के दिन छोड़ दे वो अलग बात है। क्या मिठाई नहीं खाने, और सो बेईमानी इतनी भारी बैठी है
मिठाई तो नहीं खानी है, लेकिन कछु मुनक्का इसमें स्वाद है, कछु तो हो मिला मिला के कौन के पतो ही नहीं पड़े कि मिठी है कि नहीं मांगे, पतो ही नहीं पड़े। अरे तुम अपने उपयोग को इतना सुंदर बनाओ कि उसमें पता ही नहीं पड़े फीका पी रहे कि मीठा पी रहे। विजय अपने आश्रय से होती है, पर के आश्रय से विजय नहीं होगी कभी। पर की ओर देखा कि हार गए, समझ में आया तुम्हारी ब्रह्मा ऐसे देखने लगे 1000 वर्ष की तपस्या इतना देखने लगे, 1000 वर्ष गए संसार खोने का मार्ग है पाने का मार्ग नहीं है। अनंत भगवान के चतुर्मुखी चार और नौ दिखाई देता है, अरे वो अक्षय है। तो साहब उनका मुख होता किधर है, ये होता किधर की ओर होता है, उनका अंतर्मुख होता है। अंतर्मुखी हुए बिना जो चतुर्मुखी है तो क्या करे, वो भ्रष्ट होगा। अंतर्मुखी होकर के चतुर्मुखी हो कोई दिक्कत नहीं, करण विरोध कब होता है, जाओ बोलो करण रख दी, आओ आ जाओ करण रख दी, अपने आप करण विरोध हो जाएगा। देखने की सुनने की चखने की सूंघने की स्पर्शने की अभिलाषा ही अंतरंग में उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा सुख कोई बचना तीत अपूर्व आनंद प्रकट होगा, उसका नाम कर्णेन्द्रिय मुख इंद्रिय निरोध उसका नाम है। अब बिना भेद ज्ञान के काय के बल पर करोगे इंद्रिय निरोध, शाम के अंधे को हरू हरू दिखत हो, तुम अब आंखें फोड़ लोगे तो वही वही दिखेगा, सरी 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 सरी, इधर देखोगे तो जिसका शरीर देखा, इधर देखोगे तो अपना शरीर दिखेगा, बस। अब तुम जी सोच ली हम अपने को देखें कि तुम्हें देखा, मंदता तीव्रता कसायों की अलग बात है। देखो भाई कसाय मंद तो अनंत बार हो गई, इसका मतलब तीव्र करो ये हम नहीं कह रहे, मंद कसाय का कार्य छोड़ करके तीव्र कसाय के कार्य में प्रवर्तना, अथवा अशुभ कार्य छोड़कर वो शुभ कार्य छोड़ करके अशुभ में प्रवर्तना, ये तो कड़वी चीज छोड़ करके हलाहल जहर पीना है, ये कोई विवेक की बात नहीं है। लेकिन ये बताओ किसके आश्रय से झुकेगा। अब तुम ध्यान करने बैठोगे बिना भेद ज्ञान के, बिना ज्ञान के ध्यान तरंग रूप होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फिर तुम्हारी भाषा इसलिए बोल रही थी तुम्हें मालूम पड़ गया कि हाँ पढ़ाया हमने। बिना ज्ञान के ध्यान तरंग रूप होता है, तरंग रूप माने चंचल विकल्प रूप होता है, जब ज्ञान एकाग्र होता है निर्विकल्प होता है निस्तरंग होता है उसी का नाम ध्यान हो जाता है। तो बिना भेद ज्ञान के ध्यान का अभ्यास कैसा होगा सोचो, सांस को देखो, बस सांस को देखो, शून्य को देखो, ये मूर्ति का अभ्यास है तुम्हारे, ये चारों ओर से उपयोग थोड़ा सा हट जाता है नींद हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, 4 दिन बाद फिर सोने लगने लगता है मन लगने लगता। चौबीस घंटों से मौन फिर 1 घंटे में भी नहीं रह पाते कि चलो भाई 24 घंटे हम ध्यान शिविर में मौन रहे थे, अब 1 घंटा तो रोज रहो करेंगे,
और दूसरे ध्यान शिविर में हुआ है, चलो आप 2 घंटे मौन रहे करेंगे रोज। क्यों अच्छा लगता है तो फिर आप क्यों बोलते हो? अब बोलने में अच्छा क्यों लगेगा 11वें दिन? नियत भोजन जब अच्छा लग रहा था तो 12वें दिन 11वें दिन चाट पकौड़ी कैसे अच्छी लगने लगी? टूट कैसे पड़े वहां? टोटमल जी ने दर्शन दिया, जैसे पनाला बंद था, पानी रुका था और वो निकला सो ऐसे बस। अब सैद्धांतिक बात बोलो, बिना भेद ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के आर्त रोध ध्यान होता है, धर्म ध्यान का तो प्रारंभ भी नहीं हो पाता। धर्म ध्यान कब होगा? धर्म ध्यान नाम है इसका। धर्म ध्यान का अर्थ क्या है जानते हो? धर्मी का ध्यान, धर्म रूप ध्यान। अब जब अपना रूप देखा हो, ज्ञान हो, ए आंख बंद कर ले, ये रूप को देखो। अब देखा ही नहीं है तब क्या आंख बंद करोगे? ये ऐसा बेवकूफ बना देते हैं। छोटी तुम्हारे घर में छोटी कन्या है, यहाँ देख बेटा, हम तेरी आंख बंद कर देंगे और तो वो गला दिखाई दिए और वो उसमें मरेंगे भरी दिखाई देंगी, उसके ऊपर वो दिखाई देगा वन। हाँ बेटा दिख रहा हो कि नहीं? अब कहते सुने पहले ही गई बस्ती तो पहले ही सूझ दो। हाँ 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 देखो बिल्कुल बिल्कुल है, और ठग गए। अरे उसकी भी आंखें बंद करने से पहले उसके सामने चित्र खींचते थे नहीं सोचते? तो जो चित्र देख करके आंखें बंद करेगी तो बोल तो दिखेगी। तो तू अपने आत्मा को देख करके आंख बंद करेगा तो आत्मा आत्मा दिखेगा, और नहीं तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा। हम क्या करें? ये तो एक बिल्कुल हाथ पर रखे आंवले की तरह। ए वो जमराज घोड़ भैंसा बैठ के आते हैं और ऐसा होता है उनका रूप, और बस अब बस जो मरना सन हुआ सो दिख रहे। हाँ वो दिख रहा हो हमें, वो काली रोह में आ रहे और भैंसा बैठ के आ रहे, और वो कह रहे होना ही क्या होते आओ तुम्हारे टाइम पूरे हो। जो सुनते रहे ना अपन बोल जी सुबह सामने आ जाती, और कुछ नहीं। कमजोर मन की बातें हैं ये। मन का विश्वास कमजोर होना, भद्रव्य अपना नहीं हो सकता। हम पर के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये अपनी कमजोरी क्यों लगती? ये तो हमारा गौरव है। सादगी हमारे जीवन की क्या है? गौरव है। तो ये तो बात अच्छी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें को पूछा है वो? और तुम उन्हीं को पूछते हो जो कुछ नहीं करते। तुम उन्हीं की पूजा करते हो जो कुछ नहीं करते। अरे पंडित मुनासी दास जी ने अब बीती बात लिखी आत्मकथा में, कभी उल्टे चीजें पड़ गए वैष्णव में, इस तरह के लोग खूब समझाते रहे समझाते रहे समझाते रहे, नहीं समझ में आई नहीं समझ में आई, और जब समय आया तो समझ में आ गई। जरा सी रूपचंद जी आ गए और उन्होंने समझाया था समझ गए। तो उन्होंने लिखा, कहीं दोष को ना तजय तजय अवस्था पाए, जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाए। आम को पीरो रंग से रंग के पीरो नहीं कर पाओगे। जब वो आम का टाइम आएगा पकेगा अपने आप पीला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर तुम हरा नहीं रख पाओगे। आज तुम्हारे दुनिया के विकल्प और चिंताएं और आकुलता है भरी पड़ी है, एक भी नहीं कर पाओगे तुम अगर थोड़े जीवन मान पड़ लो। वो बच्चा उस दिन वो कह रहा था, वो दिखाई दे रहा था हमको, और वो कह रहा था तुम्हारी जिनवाणी कुछ नहीं करेगी, हम तो तुम्हें हैरान करेंगे। हमने कह देना जिनवाणी तुम्हें भगवान बना देगी, जिनवाणी कुछ नहीं करेगी।
जिनवाणी तुम्हारा सब रस कसा मिटा देगी, जिनवाणी के अभ्यास से अतीव्र कसा भी मंद होती है, अत्यंचल मन भी एकाग्र होता है, मोह का नाश होता है, दुर्मोह मोह ग्रंथि टूटती है जिनवाणी के अभ्यास से। अभी तुम जो कुछ कहना है सो कह लो, अगर तुम कह रहे कह दो, हमें तो जैसे ब्याह करने, कल नहीं कह पाओगे जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनोगे। ए लड़कियों कहना है तो कह लो, हम तो जम्बू कुमार से ही ब्याह करेंगे, हम किसी और को ब्याह नहीं करेंगे, दीक्षा लेना, कल नहीं कह पाओगे, कल तुम्हारा अपराध चला जाए। जिनवाणी के अभ्यास का फल ये है, तुम्हारी जिनवाणी कछु नहीं करेगी। अरे ये काय को अहंकार दिखा रहे, हमारी जिनवाणी हमें ज्ञाता बनाएगी, हमारे जिनवाणी हमें सुखी करेगी, जिनवाणी हमारे मोह का अभाव करेगी, और मोह का अभाव होने पर जो मोह से होता है वो सब मिट जाएगा, विवाद सारे विवाद मिट जाएंगे, त्याग बाद आएगा। तो जब स्यादवा समझ में आ जाएगा तो अपने आप सारे विवाद मिट जाएंगे, खत्म हो यही बात। अब बिना भेद ज्ञान के ध्यान करने बैठ जाओ, आंख बंद करेगी तो क्या होगा? क्या होगा बता? ऐसा कहकर के यहां भेद ज्ञान के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, कोई ध्यान की हीनता नहीं बता रहे। ध्यान तो भेद ज्ञान का फल है, लेकिन तू फल पहले चाहता, बीज तो वो। उस वृक्ष को सींच तो, उसके आसपास की अनावश्यक जो घास फूस आ गई उसको निकाल तो सही, तब फल आएंगे। अब फल चाहता है, पुण्य को चाहे बिना पुण्य के करे, बिना पुण्य का फल चाहते सर जगत के लोग, और पाप करते हुए भी पाप का फल नहीं चाहते, और धर्म जानते ही नहीं बेचारे, बस वो तो उसको ही धर्म का फल समझ लेते। काय को पुण्य के फल को, धर्म का फल है ये हमें कमीज पहनने को मिलगी बढ़िया, बस ये धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल ये है कमी उतारने की भावना जग जाए, और जब तक नहीं उतरी है तब तक धर्म का फल क्या है, ये कमीज मेरी नहीं है, ये कमीज मेरी नहीं है, नंबर दो बोलो, इस कमीज से मेरी शोभा नहीं है। इसकी चमक दमक चार दिन की है, मेरी चमक दमक अनंत काल की है। माने विषयों का त्याग होना तो बड़ी बात है, चरित्र का विषय, लेकिन विषयों से उदासीनता तो आ जाए, भेद ज्ञान का फल ये होगा। अब बिना बैठ जाओ ध्यान करने, बैठ जाओ बंधन। अब कहते हैं जो शरीर तो तन और का है, भीड़ की अभी सीधी रखो, अरे अभी नहीं, हमने हंसने की और मजाक करने की बात नहीं है, हड्डी तो सीधी हो जाएगी, तुम सीधे हो जाओ, तुम सीधे नहीं हो रहे तो हड्डी सीधी नहीं होगी। तुम आलस में बैठोगे तो ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे, और अगर सावधान होकर के बैठोगे तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, लेकिन तुम्हारे शरीर की हड्डी सीधी होने से तुम्हारे परिणाम सीधे नहीं हो जाएंगे, परिणाम सीधे होंगे तो हड्डी सीधी हो जाएगी, ये बात सच्ची है। भीतर से बाहर का निमित्त निमित्तिक संबंध है, बाहर का भीतर से नियम संबंध नहीं है। अब तो साफ ठीक है, पहले तो भेद ज्ञान करो,
अपन तो ये ध्यान ध्यान सब बेकार है। पहले भेद ज्ञान करो, पहले भेद ज्ञान तो कर ले। तुम कहाँ ध्यान ध्यान के चक्कर में पड़े, काय को भटकत फिर रहे? ज्ञान के बिना ध्यान होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले ध्यान करो, कब तक, कब तक ज्ञान करोगे? अरे ये बताओ, घर के कार्यों में रोज रोटी खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, रोज रोज करते कि नहीं? ऐसे रोज आप ध्यान का भी अभ्यास करो, रोज भेद ज्ञान करो। इसमें ध्यान का निषेध करण आ गया, और ध्यान ध्यान करने में भेद ज्ञान का निषेध करण आ गया। यहां तो भेद ज्ञान रहे ध्यान का निषेध किया है। आप बैठते हो, बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो तो सही, लेकिन भेद ज्ञान के बिना मत बैठ जाना, बचने के लिए मत बैठ जाना। हम ध्यान कर रहे, बस बैठ गए अपने आराम से, अब कोई बोले वो नहीं, कुछ करे वो नहीं, सुने, बस बैठ गए अपने। हम मन है, बस बैठ गए अपने, बचने के लिए नहीं, झंझटों से बचने के लिए, संसार के कार्यों की झंझटों से बचने के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा के आनंद के लिए मोक्ष मार्ग है। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तके सदा जीत हूँ धोक। Oh.